जस्टिक फॉर इंडियन जैक करेक्टर के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, कम से कम 3 से 4-5 तो ऐसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अक्सर आजकल आप लोग मेरे थंबनेल में तो ज़्यादातर यही देख रहे हैं कि हृतिक रोशन का ही यानी जैक करेक्टर का ही मैं अपने थंबनेल में पिक्चर लगा रहा हूँ। और वो पिक्चर मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि सबको ध्यान में रहे कि ये बंदा आखिर किस टॉपिक पर वीडियो बना रहा है। देखिए वो याद भी दिला रहा है कि ये जस्टिक फॉर इंडियन जैक करेक्टर का इंसाफ मांग रहा है भाई, ठीक है। और मैं आज एक बात बोलूँगा और मुझे कहते हुए भी बुरा लग रहा है खुद मुंह से कि इंडियन गेमर होने के बावजूद भी ये लोग इंडियन के नाम पे ढपे हैं, ठीक है। अब इनके पास मैं कई सारे मेरे पास प्रूफ है, अगर मैं वो प्रूफ अगर इनको दिखाऊँ तो शायद ही सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूँ एडवांस सर्वर में अगर कोई भी टेस्ट होता है तो सबसे पहले जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो गेमर्स हैं फ्री फायर के, उन्हीं को मिलता है एडवांस सर्वर सबसे पहले। किसी को मिले या ना मिले उसके लिए एक्टिवेशन कोड होता है, लेकिन सबसे पहले बड़े यूट्यूबर को ही मिलता है। चलो मैं मान ले तो मिलता है और उन लोगों को खेलने को मिलता है ताकि वो लोग देखे कि आखिर गेम में हमने जो अपडेट किया है कोई गड़बड़ वाला सीन तो नहीं है, ताकि जब ये अपडेट आए तो उसमें इन चीज़ों को दिक्कत ना पड़े। तो ये चीज़ें उनको मिलती है खेलने को, ठीक है। और वहाँ पर जब खेलते हैं तो उनको कुछ जो भी चीज़ें गड़बड़ लगती है तो एक गरेना के जो भी गाइडलाइंस के खिलाफ है वो चीज़ें वहाँ पर ये लोग शेयर करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही है, यहाँ पर वो हो रहा है, प्रॉब्लम ये है फॉरेक्स में, ये प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो जब करैक्टर की बात आती है ना मेरे भाई, तो यहाँ पर ये लोग जू जाते हैं अपने इंडियन यूट्यूबर, ठीक है गेमर। चलो मैं मान लेता हूँ कि गरेना फ्री फायर ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर चुका है हृतिक रोशन जैक करेक्टर के साथ, लेकिन हम कैसे यकीन माने क्योंकि उनका तो ना ही हृतिक रोशन जो है उनके इंस्टाग्राम पे कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हमने लीव कर लिया है गरेना फ्री फायर में से। तो अगर लीव कर लेते हैं ना मेरे भाई, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो गरेना अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया, ठीक है, जैक करेक्टर के साथ मान लो हृतिक रोशन सर के साथ, तो उनका जो फेस लुक है ना वो बिल्कुल हटा दिया जाएगा। माना कि स्टोर से तो हटा दिया गया है बट यहाँ से भी हटा देना चाहिए, ये रियलिटी है। लेकिन आखिर क्या हुआ, चलो मान लेता हूँ कि जैक करेक्टर आ भी जाता है तो कितना परसेंट गारंटी है कि उसकी एबिलिटी पहले से बहुत बेहतर होगा और अच्छा होगा, लोग उससे लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेयर खेलेंगे, ठीक है। कितनी गारंटी है ये भी हम नहीं जानते क्योंकि गरेना के ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं एक ही चीज़ सवाल पूछ रहा हूँ यार कि मैं जस्टिक फॉर इंडियन जैक करेक्टर के बारे में मांग रहा हूँ। आज नहीं, मान लो कि आज जैक करेक्टर आया है अपने इंडियन की तरफ से सबसे पहला करेक्टर, कल को कोई और करेक्टर आए अपने गरेना फ्री फायर के अंदर, तब भी क्या वैसा ही सीन होगा? सोच के देखो यार, वही ब्राज़ील का जो सबसे फर्स्ट करेक्टर आया आलोक, उसकी एबिलिटी स्किल भी ठीक बनाया। हमें कोई जलन नहीं होता, इंडियन लोगों को कोई जलन नहीं होता भाई, ठीक है। जलन तब होती है जब भाई की हमारा इंडियन का करेक्टर आया और उसको उतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिला या प्रमोट नहीं किया गया कि भाई इतना बेहतरीन करेक्टर है, बस थोड़ा बहुत ऐड चलाया। ऐसा नहीं है कि उनका कोई फ़ैन फॉलोवर नहीं है भाई, बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोवर है हृतिक रोशन सर का, फिर भी यहाँ पर कोई लोग इसकी एबिलिटी स्किल से ही प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस करेक्टर को लेकर बहुत परेशान है इंडियन कम्युनिटी में, ठीक है, ये रियलिटी है। और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ों का ना शायद ही सुधार करेंगे गरेना, अगर करता अभी तक कितना परसेंट है ये कोई गारंटी ही नहीं लगा सकता, ठीक है। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, जैक करेक्टर हो सकता है कमबैक करेगा, लेकिन अगर यहाँ सारे मिलकर जितना भी इंडियन अपने यूट्यूबर है गेमर हैं, और उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर नाम लूँगा तो पता नहीं कोई कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे ऊपर लगा दे। छोटा सा चैनल है मेरा और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से मैं भी खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बट इतना कहूँगा कि मेरी पहुँच उतनी बड़ी नहीं है, बट मैं फिर भी वीडियो बनाऊँगा क्योंकि सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था, हेमंत नाम से, जिनका आप कमेंट पढ़ सकते हो। उन्होंने बोला कि भाई मैंने इंस्टाग्राम पर गरेना के पास गया, DM किया 5 बार, बट सब पैसे की भूखे हैं भाई, कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, इंडियन में। लेकिन उन्होंने बोला एक चीज़ कि आप वीडियो बनाओ, इस चीज़ पर बनाओ, एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलेगी, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि जो मेरे प्यारे से फ़ैन हैं वो मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलो यार देखते हैं क्या होता है, बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ, दूसरे का
दूसरे लोग सपोर्ट करेगा या नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट तो मैं करूँगा जैक करेक्टर को, बाकी देखने वाली बात है कौन कौन इंडियन के नाम पे डब्बा है, कौन कौन इंडियन के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। अब देखो ये तो गेम की बात है, तो हम पूरा मरने मिटने की बात नहीं हो रहा, जस्टिक मार रहे हैं, ठीक है, ओनली जस्टिक फॉर इंडियन जैक करेक्टर। चलो देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया और आज से पहले मैं इतना लंबा वीडियो कभी बनाया नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं शॉर्ट में वीडियो बनाता था ताकि बंदों का टाइम भी ख़राब ना हो। तो यहीं पर हम रुकते हैं एंड मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक फेस वीडियो के साथ, ताकि आपको भी मज़ा आए। बाय बाय।